मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका इंदौर कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहा। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोरोना के संक्रमितों के नए आंकड़ों में कमी आई है। यदि ये कमी सच में आई है और जांच के बाद आई है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन इस कमी का कारण शहर में हो रही कम जांच है तो इससे ज़्यादा चिंता की बात और कोई नहीं। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार सुबह तक 923 पहुंच गया। अब तक 52 कोरोना पॉजिटिव काल के गाल में समा चुके हैं। 72 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी अभी भी 799 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को जांच किए गए सैंपलों में 8 नए मरीज सामने आए हैं। कल मिले नए मरीजों में MY अस्पताल के ब्लड बैंक का एक लैब अटेंडेंट भी शामिल है। इससे पहले भी यहां से एक कर्मचारी की कोरोना की पुष्टि की जा चुकी है, जिसके बाद कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 4094 सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि नई मशीन इंस्टॉल होने की प्रक्रिया चालू थी, इसी कारण कुछ सैंपलों की जाँच रिपोर्ट मंगलवार रात तक प्राप्त नहीं हो सकी, यानी अब वे जल्द ही जारी की जाएगी। अब इंदौर में केवल 4094 सैंपल्स ही जांचे गए हैं। इंदौर की जनसंख्या वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार ही लगभग 20 लाख थी। अब 2020 चल रहा है, यानी शहर में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। यदि हम लगभग 30 लाख भी जनसंख्या माने तो अभी तक कोरोना की 5000 जांचें भी शहर में नहीं हुई है, जो चिंताजनक है। जांचें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना ने एक अलग रूप ले लिया है। अब बिना लक्षण दिखे लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। ऐसे में कई मामले इंदौर से भी सामने आए हैं जिनमें बिना लक्षण दिखे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे 10 से ज़्यादा लोग हैं, यानी जांच का दायरा जब तक नहीं बढ़ाया जाता है तब तक कोरोना के असली आंकड़े सामने नहीं आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।